हम लोगों ने इतनी कोशिश की पर अभी तक सिर्फ एक ड्रैगन बॉल ही हमारे हाथ में लगा है, और उधर फ्रैंकलिन और उसकी सारी टीम ने ढेर सारे ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर लिए। अब इसमें उन लोगों की क्या गलती, आपका टीम ही काफी ज्यादा कमजोर है, इस तरह तो हम लोग एक भी ड्रैगन बॉल नहीं जीत पाएंगे। मेरी टीम कमजोर नहीं थी, उनकी काफी ज्यादा ताकतवर थी, हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, उन लोगों को हराना ही पड़ेगा। मेरी नजर में तो अब ऐसा कोई भी नहीं है जो फ्रैंकलिन और उसकी सारी टीम को हरा सके। लगता है तुम्हें चश्मे की जरूरत है फ्रीजा, अभी तक तुमने मेरा सामना तो कराया ही नहीं इनसे। जेनिम्बा, तुम यह क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मैंने सुना कि तुम लोग कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और जीतने वाले को ड्रैगन बॉल मिलेगा, वो भी सुपर ड्रैगन बॉल। ये सुनकर के तो मुझसे रहा ही नहीं गया, क्यों ना मैं भी तुम्हारी तरफ से फाइट करूं गोकू से, और अगर मैं जीत गया तो 3 विश में से 1 विश मेरी होगी। जेनिम्बा, अगर तुम ये कर लेते हो तो सही में मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। ये तो अच्छा प्लान है, तैयार हो जाओ गोकू, क्योंकि तुम्हारी फाइट अब मुझसे होने वाली है। दोस्तों, इस बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, भाई जेनिम्बा आ चुका है फ्रीजा की टीम में, और भाई तुझे तो पता ही है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, पिछली बार अपना वेजिटा और गोकू दोनों मिल करके उसे हरा नहीं पा रहे थे, आखिरकार गोजिटा आया उसके बाद ही वो हारा। अब हम लोग क्या करेंगे, लगता है आज का ड्रैगन बॉल हम लोग हारने वाले हैं। नहीं यार सिंचन, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो लोग जेनिम्बा को लेकर आ रहे हैं तो आज हम लोग सबसे खतरनाक वाले गोकू को ड्रॉ करने वाले हैं, मतलब कि अल्ट्रा स्टिंग गोकू। अरे फ्रैंकलिन मेकर, ऐसी बात है तो प्लीज मुझे जाने दो, मैं ड्रॉ करने वाला हूँ गोकू को। ओए सिंचन, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तुझे जो ड्रॉ करना है कर, पर गोकू ड्रॉ मत करना, गोकू तो मैं ड्रॉ करूंगा, वो भी वीडियो के लास्ट में। तो गाइस, अगर तुम्हें देखना है कि MUI गोकू कैसा फाइट करता है तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, और तुम लोगों के कहने पर ही मैं मास्टर अल्ट्रा स्टिंग गोकू को लेकर के आया हूं, तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। तो चलो गाइस देखते हैं आखिर ये अपना सिंचन क्या ड्रॉ करता है। अरे यार सिंचन मेरे भाई, आखिर तू ये ड्रॉ क्या कर रहा है। अरे ये चुप, अभी तो मैं गोकू को ड्रॉ नहीं कर सकता, वो तो फ्रैंकलिन भी ये वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो मुझे कुछ तो ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि इस फाइट को जीत सके। अगर 3 फाइट हम लोग नहीं जीतेंगे तो गाइस हम लोगों को ड्रैगन बॉल भी नहीं मिलेगा। अरे यार पर आखिर तू ड्रॉ क्या कर रहा है ये तो बता। अरे यार आप लोग बस देखते जाओ ना मैं क्या बनाने वाला हूँ, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को। ये देखो मैंने इसके हाथ बना दिए, ये बना रहा हूँ मैं इसका जैकेट, और ये जैकेट का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब बताओ ये कौन लग रहा है। अबे मुझे क्या पता सिंचन तू किसको ड्रॉ कर रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। गाइस तुम लोगों को पता चल रहा है क्या अपना सिंचन क्या ड्रॉ कर रहा है। गाइस इसके सर पे तो यार लीफ विलेज का भाई साइन बना हुआ है, तो मुझे तो लगता है ये कोई निंजा है, बट ये कौन सा निंजा बना रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट यार फ्रैंकलिन, मुझे लगता है कि मैंने इस बंदे को देखा है, ये देख यार इसके बाल तो सिर्फ एक बंदे के जैसे ही लग रहे हैं, वो और कोई नहीं अपना ब्रूटो है भाई, नारुतो का बेटा। ओ भाई साहब, अपना सिंचन ब्रूटो को ड्रॉ कर रहा है। गाइस ये तो काफी ज्यादा कमाल का निकला, मुझे समझ ही नहीं लगा था यार कि अपना सिंचन ब्रूटो बनाने वाला है। भाई ये देखो इसकी कितनी अच्छी तरीके से इसने बैंड भी बना दिया, और इसके बाल तो काफी ज्यादा चमक रहे हैं। तो गाइस अगर तुम लोग भी ब्रूटो के फैन हो ना तो कमेंट बॉक्स में ब्रूटो ओपी लिख दो यार, क्योंकि ये वीडियो तो काफी ज्यादा आज खतरनाक होने वाली है। भाई इसकी सेडिंग वेडिंग कर दे यार, तब जाकर के तो पता लगेगा ब्रूटो कितना ज्यादा ओपी है। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, बस आप देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। ये देखो मैंने इसके पैंट के पास सेडिंग कर दी है, अब मैं इसके बालों को भी अच्छी तरह से हाईलाइटिंग कर देता हूँ जिससे ये और भी ज्यादा 3D लगने लगे। और ये देखो फ्रैंकलिन भैया, मैंने इसके बाल के पास अच्छा खासा सेडिंग दे दिया है, थोड़ी सी हाईलाइटिंग दे देता हूँ, उसके बाद ये पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। ओके गाइस, तो हमारा ये ब्रूटो रेडी हो चुका है, चलो देखते हैं यार ये ब्रूटो अपना रियल लाइफ में आता है कि नहीं, और किस तरह ये हम लोगों को मैच जिताता है या मैच हरा देता है। फ्रीजा की टीम ने फिर से एक कार्टून को फाइट करने के लिए भेज दिया। बच्चे मैं तुझसे फाइट करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, बच्चों से फाइट करने में मजा नहीं है, जा और जा करके गोकू को भेज। अरे यार ये जेनिम्बा तो पहले से ही गोकू से फाइट करने के लिए तैयार है, भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, राउंड 1 शुरू भी हो चुका है, देखना पड़ेगा जेनिम्बा का पावर कौन कौन सा खतरनाक है। अरे यार ये तो ब्लड डेमन आर्ट है। हाँ यार ये जेनिम्बा तो भाई किस तरह टेलीपोर्ट कर रहा है, गाइस फटाफट से स्वाइप कर रहा है, लगता है यार वो चला गया क्योंकि गोकू फाइट में नहीं है, बट गाइस अपना ब्रूटो तो फाड़ रहा है यार इन लोगों की। फ्रैंकलिन ब्रूटो भले ही छोटा है बट ये काफी ज्यादा ताकतवर है, इसको हराना नामुमकिन है क्योंकि ये हर बार जीत जाता है, इसकी पावर नारुतो से आती है। भैया ब्रूटो के साथ में इसे किसने स्वैप कर लिया है, मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ, पर इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। हाँ यार मुझे भी नहीं पता आखिर ये है कौन, बट गाइस ये काफी ज्यादा धमाकेदार अटैक कर रहा है यार,
अगर तुम लोगों को पता है ना कि इसका नाम क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ओ भाई सब ये क्या जेनिम्बा अपने खतरनाक अटैक से अटैक मार रहा है। अरे यार ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, पर हमारा बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग था, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई इसके आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता कि इसके आर्मर को कोई तोड़ भी पाएगा। ओ भाई सब राइजिंग ड्रैगन पंच, भाई कितना खतरनाक पंच था ये। भाई गैलेना की तो हालत खराब कर दी इसने। बस 2-3-4 अटैक उसके बाद हम लोग ये राउंड जीत जाएंगे। गैलेना की एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। हाँ यार ये राउंड तो हम लोग आसानी से जीतने वाले हैं। भाई गैलेना की ओ भाई आइजेन आ चुका है फाइट में, बट गाइस अपना ये बंदा जो भी है ये काफी, एक मिनट गाइस इसका सूट तो अपग्रेड हो गया भाई, पूरा गोल्डन कलर का हो चुका है। ओह भाई ये काफी ज्यादा ओपी है यार। टैंकिन भैया मजा ही आ गया, इसकी अटैक तो काफी ज्यादा तगड़ी है। भाई साहब इसका पास शील्ड भी है, इसको कोई भी नहीं हरा सकता। अरे यार राइजन हार जाओ ना, आखिर ये आइजन हार क्यों नहीं मानता। ओए सिंचन भले आइजन कितना ताकतवर हो, बट गाइस हम लोग पहला राउंड तो यहाँ पर जीत चुके हैं। भाई बारी है दूसरे राउंड की, देखते हैं दूसरे राउंड में कौन जीतता है। हट जाओ तुम लोग कमजोर हो, मुझे फाइट करने दो, मुझे मौका ही नहीं देते। गाइस फाइनली अपना वेजिटा देखो फाइट में कूद चुका, और भाई आते साथ आइजन की धुलाई देखो कितनी बुरी तरह से कर रही है। ये मेरी फाइट है और इसको सिर्फ मैं ही जीतूंगा। अभी यार वेजिटा को हटा करके ब्रूटो आ गया फाइट में, बट गाइस ये देखो ये क्या हो रहा है। भाई नेमिंबा तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, लगता है ये मैच यही खत्म करेगा। टैंकिन भी अभी तक तो ये मैच पूरा बराबरी पे चल रहा है, यहाँ से कोई भी जीत सकता है, पर अपना ब्रूटो अभी स्पेशल मूव यूज कर रहा है, ये देखो शैडो क्लोन जुत्सू। फ्रैंकलिन सिर्फ शैडो क्लोन नहीं बल्कि अब जाकर ये देख रॉसिंग अटैक कर रहा है। भाई ये वाला अटैक तो ओपी था यार, देखो गैलेना कितनी दूर जाकर के फेंकाई है, बट गाइस ये क्या भाई ये अटैक नहीं होने देना, नहीं तो अपना ब्रूटो गया। फ्रैंकलिन मेरे भाई देर हो चुकी है, गैलेना ने तो भाई अटैक कर दिया। अबे यार अपने ब्रूटो का सारा जैकेट वैकेट कपड़े फट चुके हैं यार, और इसका बदला गाइस अपना ब्रूटो ले चुका। भाई क्या ही पंच मारा था ये वाला। ओ भाई साहब अब तो लगता है यार ये मुकाबला काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, यहाँ से कोई भी जीत सकता है। गाइस अगर ये राउंड हम लोग जीत जाते हैं तो ये पूरा का पूरा मैच ही जीत जाएंगे, क्योंकि गाइस हम लोगों ने एक राउंड पहले ही जीत लिया है, और अगर फ्रीजा की टीम ये राउंड जीतती है गाइस तो हम लोगों को फाइनल राउंड में ये मैच को खत्म करना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता यार कि गैलेना के पास चांस भी है। गाइस ये देखो भाई कितना खतरनाक रासिंगन शॉट था, भाई गैलेना की छुट्टी हो चुकी है। ओ भाई ये क्या, ये मुकाबला फाइनल मोड में चल रहा है यार, यहाँ से कोई भी जीत सकता है। दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा डाउन है, दोनों बराबरी पे है। ब्रूटो तुम इतनी जल्दी हार नहीं सकते, बस थोड़ी देर टिक जा मेरे भाई, लास्ट अटैक कर डाल। हाँ ब्रूटो तुम ये कर सकते हो, हरा दो गैलेना और फ्रीजा की टीम को। चलो यार प्लीज हारना मैं, मेरी इज्जत का सवाल है, फाइनली हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। अरे यार दोनों कितना ज्यादा क्लोज थे, मुझे लगा था यार वो लोग जीत जाएंगे, बट गाइस ये राउंड हम लोग जीत चुके हैं। तो गाइस हम लोग तीन में से एक मैच तो जीत चुके हैं, पर हम लोगों को दोनों मैच जीतने पड़ेंगे तभी सुपर ड्रैगन बॉल हम लोगों को मिलने वाला है। गाइस हम लोगों को एक और खतरनाक बंदा ड्रॉ करना पड़ेगा यार, जो कि भाई ये मैच जीता सके। अरे यार फ्रैंकलिन मुझे जाने दे यार, मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, मुझे भी तो मौका दे यार, देखता जा मैं कितना अच्छा पेंट करता हूँ। अबे वो पेंट होता है यार, चुप क्या बक रहा है। अरे हाँ यार वो कभी कभी जबान इधर-उधर फिसल जाती है, बस तू देखता जाना यार मैं क्या बना रहा हूँ, देख तो। ओके गाइस तो चॉप ड्रॉ कर रहा है, पता नहीं क्या, चलो देखते हैं। और गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना यार, क्योंकि इस बार मैं गोकू का MUI वाला बनाने वाला हूँ, तो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और अगर तुम लोग भी गोकू MUI के फैन हो ना तो कमेंट बॉक्स में MUI गोकू लिख दो यार, क्योंकि आज काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। अबे यार सिंचन आखिर तू ये बना क्या रहा है। गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब लग रहा है भाई, इसके बाल काफी ज्यादा बिखरे हुए हैं। भाई ऐसे एक बाल वाला बंदा कोई है क्या, अपन लोग तो नहीं जानते। गाइस अगर तुम लोगों को पता है कि ये कौन है ना तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। भैया इसके बाल को देखो, इसके बाल को देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कहीं अपना चॉप सास्के तो नहीं बना रहा है। अरे हाँ यार सिंचन ये इसके बाल तो सास्के के जैसे ही लग रहे हैं, और ये देखो भाई इसके बैंड भी उसी टाइप की है, मुझे तो लगता है अपना चॉप सही में सास्के बना रहा है यार। अरे यार फ्रैंकलिन मैं भी हारना नहीं चाहता यार सिंचन की तरह, मुझे किसी भी हाल पे ये मैच जीतना ही पड़ेगा, और तुझे पता ही है सास्के कितना ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मैं सास्के को बना रहा हूँ और मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। तो गाइस तुम लोग बताओ यार तुम लोगों का फेवरेट कौन है, ब्रूटो या सास्के, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो। और गाइस पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आप लोग 1000 कमेंट करा दोगे तो मैं जेनो समय को लेकर के आऊंगा, पर आप लोगों ने 1000 कमेंट का टारगेट मेरा पूरा नहीं किया। कोई बात नहीं गाइस, पर अगर तुम लोगों ने इस वीडियो पर 1000 लाइक करवा दिए ना तो मैं
अगली वीडियो में अल्ट्रा ईगो वेजिटा को लेकर के आऊंगा। ओ भाई साहब, और यार तुम लोगों को तो पता है सिंचन अगर ना भाई जुबान दे देता तो पक्का लेकर के आता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगली वीडियो में अपना सिंचन अल्ट्रा ईगो वेजिटा ड्रॉ करने वाला है। अपनी ऑडियंस बहुत कमाल की है यार, ये लोग कर देंगे। और ये देखो भाई, मैंने शासके को भाई पूरी तरह से कलर वलर कर दिया है। अब मैं जल्दी से इसकी आंख बना देता हूँ। ये देखो, एक आंख में रासिंगन, दूसरे आंख में मारा वाला आंख है, जो भी है यार। और ये देखो भाई, मैंने इसके कपड़े को भी पेंट कर देता हूँ। यहाँ पर यार मैंने थोड़ी सी शेडिंग वेडिंग कर दी है, इसके हाथ को अच्छे से बना दिया है। अब जल्दी से इसके कपड़ों को भी मैं शेडिंग वेडिंग दे देता हूँ और उसके बाद ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा। फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ब्रूटो और भाई साहब अपने शासके बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो जाएंगे। तुझे पता है ना, शासके हमेशा धोखा दे देता है। मैं नहीं चाहता यार शासके हम लोगों की तरफ से लड़े। टेंशन ना लो मैडम, इस बार शासके ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ये हम लोगों की तरफ से फाइट करेगा। ठीक है यार, चौब देखते हैं अपना शासके क्या करता है। तो गाइस, हमारा ये शासके कंप्लीट हो चुका है। चलो देखते हैं इस फाइट में कौन जीतता, शासके या भाई साहब जेनिम्बा। जेनिम्बा, यही नाम है ना तुम्हारा? पर आज तुम यहाँ से जिंदा बच करके नहीं जा पाओगे। अच्छा मजाक था बच्चे, पर मुझे हंसी नहीं आई। तुझे लगता है तेरे जैसा पिद्दी मुझे हरा पाएगा? तुम लोग अगर 1,00,000 बार भी कोशिश करो तो भी कोई चांस नहीं है। लेकिन भैया, ये जेनिम्बा इस बार काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। ये देखो, मैच चालू भी हो चुका है, अपना सासके क्या करेगा फ्रैंकलिन भैया? अरे सिंचन, जेनिम्बा भाग चुका है और उसके जगह पर मदारा फाइट करने के लिए आ गया। ओ भाई साहब, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। गाइस, फाइनली हम लोगों को दो निंजास की फाइट देखने में मिल रही है और दोनों का दोनों फाइटर उठी क्लैन के हैं। अरे फ्रैंकलिन, मैं रुको जरा, अपना वेजिटा मैदान में आ चुका है। वेजिटा पीछे कैसे रहेगा? आपको पता है ना वेजिटा को फाइट कितना ज्यादा पसंद है। हाँ यार सिंचन, पर आखिर ये मदारा को रोकेगा कैसे? मदारा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। ओ ये क्या भाई साहब, ट्रंक्स भी कूद चुका है यार मैच में। ओ भाई, आखिर ट्रंक्स करना क्या चाहता है? ये फाइट मेरी है, मदारा से सिर्फ मैं ही लड़ सकता हूँ। मदारा, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अच्छा ऐसा क्या, तू बच्चा है बच्चा, मेरे ही क्लैन से होकर के मुझसे फाइट करेगा? पता नहीं है बाप कौन है। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ यहाँ असली बाप कौन है। पीछे हट जा बच्चे, इस फाइट में मुझे ही आना पड़ेगा। ये देख मेरा फायर फ्लैश, मदारा अब तू नहीं बच सकता। झोटे मोटे हमलों से तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? बंदर की औलाद, इस बार दिखाता हूँ मैं कि असली अटैक क्या होता है। ये देख मेरा परफेक्ट सुसानो, इसे बच के दिखाओ वेजिटा। अरे नहीं, मैं तो काफी ज्यादा करीब हूँ। अरे यार, ओ नहीं, फ्रैंकलिन भैया वेजिटा को तो काफी जोड़ों की चोट लगी है। ये देखो वेजिटा की हालत भी खराब हो चुकी है फ्रैंकलिन भैया, ऊपर से एक गलेना भी आ चुकी है फाइट में। अरे हाँ यार सिंचन भाई, हम लोगों की एनर्जी काफी ज्यादा डाउन चल रही है। पर ये देख गाइस, अपना ट्रंक्स मैदान में कूद चुका है बचाने के लिए वेजिटा को। ओ भाई साहब, ट्रंक्स अपना फाइनल अटैक करने वाला। गाइस, इससे तो गलेना कभी नहीं बचेगी। ट्रंक्स मेरे भाई, तू ये कर सकता है, बस अपनी जान लगा दे थोड़ा सा और। भाई हम लोग काफी ज्यादा करीब है, खत्म कर दे ग्लैन को। अगर ट्रंक्स का ये अटैक काम कर जाता तो ये मैच हम लोग जीत सकते हैं। चलो ट्रंक्स एक फाइनल अटैक और हमारा काम हो जाएगा। ओ गाइस, हम लोग काफी ज्यादा करीब थे यार, मुझे तो लगा ये राउंड हम लोग हार जाएंगे, बट यार ट्रंक्स ने अपने को बचा लिया। गाइस, अब हम लोगों का ये राउंड चालू हो चुका है। एक राउंड और जीतने पे उसके बाद हम लोग ये राउंड जीत जाएंगे। फ्रैंकलिन, ये इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इस बार काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है जेनिम्बा। और भाई साहब, ये तो मेरे को खूंखार भी लग रहा है। लगता है यार जेनिम्बा सबसे खतरनाक अटैक करने वाला है। गाइस, ये देखो, ये इसका फाइनल मूव है। भाई साहब, क्या कर डाला यार ट्रंक्स का इसने। और गाइस, अभी तक हम लोगों ने एक हमला भी नहीं किया इन लोगों के ऊपर, ये लोग तो मारते ही जा रहे हैं। भाई कितना मारेगा, छोड़ दे मदारा का बच्चे, कितना मारेगा? फ्रैंकलिन भैया, लगता है मदारा काफी ज्यादा गुस्से में है और आज वो अपने ट्रंक्स को नहीं छोड़ने वाला है। अरे यार, सिर्फ मदारा ही नहीं बल्कि गलेना भी धो रही है अपने ट्रंक्स को। चलो यार ट्रंक्स, कुछ अजीबोगरीब करके दिखाओ, अपने सबसे खतरनाक हथियार से इस पे हमला करो। यार ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। भाई तलवार से पूरे काट काट के टुकड़े टुकड़े कर डाला इसने। ये हुआ ना अटैक। गाइस फाइनली यार अपना ट्रंक्स भाई आ चुका है फुल पावर में और भाई इस बार तो नहीं छोड़ने वाला। बे यार, जब भी अपना ट्रंक्स फॉर्म में आता है ना, ये भाई आकर के धोना चालू कर देती है। पर एक मिनट गाइस, लगता है अपना ट्रंक्स सबसे खतरनाक हमले को अटैक करने वाला है। ओह भाई, ये देखो यार हाइपर बॉम्ब ब्लास्ट, और भाई इससे तो कोई भी नहीं बच सकते, ये जेनिम्बा भी नहीं बच पाएगा। फ्रैंकलिन, अगर तूने ध्यान नहीं दिया होगा तो हमारी एनर्जी काफी ज्यादा डाउन है, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग खत्म हो सकते हैं। ओ नहीं, ये क्या, जेनिम्बा तो भाई अपने सारे खतरनाक अटैक अपने ट्रंक्स पर करना शुरू भी कर चुका है। अबे उसका छोड़, हम लोगों की एनर्जी डाउन है और सामने मदारा खड़ा है। भाई मदारा से हम लोग लड़ेंगे कैसे? ओ भाई, अब ट्रंक्स तो अपनी सारी ताकत लगा दे रहा है यहाँ पर, शायद हम लोग यहाँ जीत सकते हैं। गाइस, ओ नहीं यार, मदारा से फाइनली हम लोग ये राउंड हार गए। तो गाइस, हम लोग
एक राउंड तो हार चुके हैं बट अभी भी हमारे पास टाइम है यार, क्योंकि भाई साहब अब मुकाबला होगा फाइनल राउंड में, क्योंकि एक राउंड भाई फ्रीजा की टीम जीती है और एक राउंड हम लोग। बट गाइस ये हो क्या रहा है भाई, मदारा इतने गुस्से में क्यों दिख रहा मुझे, ये तो आते साथ अपने ट्रंक्स की धुलाई कर रहा है गाइस। बट देखो ट्रंक्स भी भाई इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, भाई ये धोता ही जा रहा है यार, ये कर क्या रहा है मदारा भाई, कितना मारेगा अपने ट्रंक्स को भाई, धो धो के भाई धोती खोल दी इसने। तो गाइस अगर तुम लोग भी यार ट्रंक्स के फैन हो तो जल्दी से ट्रंक्स को सपोर्ट करो यार, कमेंट बॉक्स में ट्रंक्स ओपी लिख दो। और गाइस अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक बना चाहते हैं तो मैं ईगो अल्ट्रा ईगो वेजिटा लेकर के आऊंगा। चलो गाइस इंतजार किसका है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी ज्यादा व्यू होने के बाद भी लाइक काफी ज्यादा कमा रहे हैं, सबके सब लाइक करो जैसे वीडियो की लाइक ज्यादा हो जाए और कम से कम 1000 लाइक तो हो ही जाए। हाँ ये कमाल का टैग था, बट गाइस ये क्या हो रहा है यार, हम लोगों की एनर्जी इतनी ज्यादा डाउन कैसे है भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मैच तो पक्का हम लोग हारने वाले हैं। गाइस ये देखो यार क्या हो रहा है, ट्रंक्स की एनर्जी काफी ज्यादा डाउन होती जा रही है। अरे फ्रैंक तुम भैया टेंशन क्यों लेते हो, हमारा सास्के उची है ना, ये सबको संभाल लेगा। अरे ये मदारा छोड़ दे मेरे सास्के को, क्या कर रहा है तू, अरे दूर हट दूर हट। गाइस सास्के ने भाई अटैक करके एनर्जी बराबर तो कर दी, बट गाइस यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, मदारा अपने सबसे खतरनाक हमले से अटैक कर अपने सास्के पे। ओ नहीं यार ये तो भाई परफेक्ट सुसानो था भाई, इसे तो कोई भी नहीं बच सकता है। थोड़ी देर रुक जा फ्रैंकलिन, हो सकता है अपना सास्के कुछ कर दे। भाई ये देख चिटोरी से हमले कर रहा है भाई मदारा पे, और अब आया भाई सुसानो, इसे तो यार अब तो पक्का मदारा खत्म होने वाला है, चलो यार खत्म कर दो मदारा को। गाइस यहां पर हम लोगों की एनर्जी काफी ज्यादा कम है, बट सास्के अगर अटैक कर देता तो शायद हम लोग जीत जाएंगे, और भाई जीत भी गए, मदारा तो कुचल डाला भाई अपने सास्के ने। फाइनली गाइस हम लोगों के हाथ में दो दो मैच लग चुके हैं, और गाइस अब बारी है हमारे फाइनल मैच की यार, तो इस बार तो ड्राइंग मैं ही करूंगा, क्योंकि यार मैं बनाने जा रहा हूँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू MUI गोकू, तो गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर यार तुम लोग MUI गोकू के फैन हो तो कमेंट बॉक्स में गोकू ओपी लिख दो यार, क्योंकि तुम लोगों के सपोर्ट से ही गोकू ये वाला मैच जीत सकता है। चलो गाइस देखते हैं यहां पर गोकू के कितने सारे फैन है, जितने भी गोकू के फैन हो जल्दी से वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर दो गोकू ओपी। फ्रैंकलिन तूने गोकू का फेस तो काफी अच्छा बनाया है, पर तुझे याद है ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के बाल काफी ज्यादा सफेद होते हैं, तो इसको यार कलर नहीं करना, इसको सफेद ही रहने। अरे हाँ यार टोनी मुझे पता है यार, बट उसके बाल तो पहले बना दूं, ये देख भाई मैंने उसके बाल यहाँ पर बना दिए, और गाइस ये इसी कलर के रहने वाले, क्योंकि भाई अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की बाल व्हाइट कलर की होती है जैसे विस्की होती है। फ्रैंकलिन भैया मैं तो पहले समझता था कि हमारा गोकू बूढ़ा हो चुका है इसीलिए उसके बाल पक गए। अरे नहीं यार सिंचन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई बाल वाल नहीं पके इसके भाई, ये भाई इसकी पावर है जिसके कारण इसके बाल देख व्हाइट कलर के हो जाते हैं। और ये देख भाई मैं इसके यहाँ पर हाथ बना देता हूँ, इसके को काफी ज्यादा मस्कुलर बनाऊंगा, जितनी हो सके उतनी बॉडी वॉडी डाल दूंगा इसमें। और ये देख सिंचन भाई मैंने इसके यहाँ पर चेस्ट बना डाले हैं, और भाई साहब ये बना दिए मैंने इसके एब्स जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, ये बना दिए मैंने इसके पैर, और भाई ये बना दी इसकी मुट्ठी जिससे भाई ये पंच मारे। तो यहाँ पर तो भाई इसके हाथ बन चुके हैं, अब जल्दी से भाई यहाँ पर थोड़ी कटवट बना देता हूँ जिससे ये पूरी तरह से अच्छे से भाई गोकू लगने लगे। अरे यार फ्रैंकलिन मैंने तो सोचा था यार तू बेकार सा गोकू बनाएगा, पर तू गोकू तो काफी ओपी बना रहा है यार, ये देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। चौप के बच्चे तूने मुझे सोच क्या रखा है, मैं अच्छा खासा ड्रॉइंग करता हूँ, ये देख भाई मैंने इसके बॉडी के कलर को भी भर दिया है, अब जल्दी से भाई इसकी शेडिंग वेडिंग पूरी करता हूँ। फ्रैंकलिन गोकू मेरा फेवरेट है, अगर तूने गोकू को गंदा दिखाया और गंदा बनाया ना तो मैं तेरा सर चबा जाऊंगा। अरे वैनम गोकू यहाँ सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है समझा। और गाइस अगर तुम लोगों का भी फेवरेट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ना कि कौन तुम्हें पसंद है, वेजिटा या गोकू, कमेंट बॉक्स में लिखो। ये देखो भाई मैंने इसकी शेडिंग भी पूरी कर दी है, और अब जल्दी से भाई इसकी यहाँ पर हाईलाइटिंग दे देता हूँ जिससे ये और भी ज्यादा 3D लगने लगे। और गाइस मेरा ये गोकू रेडी हो चुका है, चलो देखते हैं यार ये रियल लाइफ में आता है कि नहीं और फाइट में मैच जीतता है कि नहीं। जमिम्बा पिछली बार की मार लगता है तू भूल चुका है और वापस मार खाने को आ गया। गोकू उसी का बदला लेने के लिए तो मैं वापस आया हूँ, और इस बार बंदर की औलाद मैं तेरा जबड़ा तोड़ूंगा। तो ठीक है जमिम्बा चल देखते हैं कि कौन जीतता है, मैं या तू। एक बात बता दूं कि तू काफी ज्यादा पतला हो चुका है, क्या कर रहा था, इतने दिन से प्रैक्टिस नहीं की क्या? प्रैक्टिस
मैंने दिन रात एक करके तुझसे फाइट करने की कसम खाई है गोकू, और आज मैं ये मैच जीत के रहूंगा। अरे यार ये जेनिम्बा तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, मुझे थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए साइड होना ही पड़ेगा। क्या हुआ गोकू, डर करके भाग रहा है मुझसे? मैं अर्जुन से भागूंगा, पागल हो गया क्या? चल तुझसे फाइट करता हूँ, उसके बाद तुझे बताता हूँ कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। क्या हुआ जेनिम्बा, तूने मदारा को बुला लिया? लगता है तेरी हवा निकल गई। उसने मुझे बुलाया नहीं है, बल्कि मैं खुद आया हूँ, और इस बार मैं तुझे खत्म करके ये ड्रैगन बॉल यहाँ से लेकर के जाऊंगा। मदारा तुम गलत टीम में आ गए हो, क्योंकि तुम्हारी टीम हारने वाली है। अरे यार ये मैच तो काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाली लग रही है, दोनों ही टीम काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, और ये क्या अपना अल्ट्रा स्टिंग गोकू तो भाई स्पीड बॉम्ब का यूज कर रहा है। हाँ यार सिंचन भाई काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है अपना गोकू, लगता है यार इन लोगों को काफी जल्दी खत्म कर देगा ये। अरे यार उसके लिए चुड़ैल को हटना पड़ेगा, ये चुड़ैल अपना खतरनाक हमला करिए। ओ भाई साहब ये क्या था, गोकू अचानक से उसके पीछे आ जाता है और भाई कामयाबी मारता है, पर ये जेनिम्बा तो वापस आ गया। टेंशन ना लीजिए, इसका सामना करने के लिए हमारा सास्की यहाँ पर आ चुका है, और ये क्या अब तो वेजिटा भी इसका साथ दे रहा है। हाँ तो तुम लोगों को क्या लगा था मैं बाहर बैठ करके झुंझुना बजाता, मुझे यहाँ पर लड़ना है और मैं लड़ करके ही रहूंगा। अरे यार पर थोड़ी देर के लिए सब्र कर लेते ना। अरे बापरे लगता है वेजिटा ने कमाल कर दिखाया, इसने तो पहले राउंड को इतनी जल्दी क्लियर कर लिया। सिंचन तू वेजिटा को जानता नहीं है, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर है। गाइस हम लोगों के हाथ में एक राउंड तो आ गया थर्ड मैच का, अगर हम लोग ये राउंड जीत जाते हैं ना तो हम लोगों का नाम ये मैच ही हो जाएगा। पर यार फ्रैंकलिन उसके लिए ये राउंड जीतना पड़ेगा, अगर ये राउंड हम लोग हार जाते हैं तो भाई इसका फैसला फाइनल राउंड में होगा। मैं नहीं चाहता यार फाइनल राउंड तक मैच जाए, हम लोगों को किसी भी हाल में इसी राउंड में जीतना होगा। अरे हाँ सिंचन मुझे भी पता है यार, और देख रहा है ना वेजिटा कितना खतरनाक फाइट कर रहा है, बट गाइस इस मदारा का इतना बड़ा बड़ा भाई जब तलवार आता है ना काफी ज्यादा डर लगता है। चलो गाइस हम लोगों को अपने वेजिटा को सपोर्ट करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से वेजिटा ओपी लिख दो भाई। ओह यार ये क्या हमला था गाइस, ये हमला तो काफी ज्यादा ओपी लगता है। और ये देख फ्रैंकलिन आ गया अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, अब तो गोकू को कोई भी नहीं रोक सकता, गोकू लगता है इस मैच को जल्दी खत्म करना चाहता है। हाँ यार टोनी सही बोल रहा है तू, बट गाइस मदारा का डिफेंस ना काफी ज्यादा स्ट्रांग है भाई, गोकू का कोई भी हमला उस पे काम नहीं कर रहा, और फाइनली अपने गोकू को भाई स्प्लिट बॉम्ब यूज करनी पड़ रही है यहाँ पर। ये वो हमला है जिससे गोकू हमेशा जीत जाता है, और इस हमले से तो मदारा भी नहीं बच पाएगा। चलो यार गोकू कमाल कर दिखाओ, ये देखो दोनों के एनर्जी लेवल बराबर हो चुकी है। अरे बराबर नहीं हुई बल्कि हम लोग आगे निकल गए हैं, अब ये मैच हम लोग जीत सकते हैं, बस गलेनांग भाई इसको हराना ये काफी ज्यादा कमजोर है, अगर गोकू चाहे इसको एक बार में ही खत्म कर सकता है। ये हुई ना बात, गलेनांग की एनर्जी काफी ज्यादा डाउन है। ओ तेरी गाइस ये क्या हो रहा भाई, गोकू तो उसको हमले करने ही नहीं दे रहा। ओ नहीं यार लगता है गलेनांग को मौका मिल चुका है। अबे यार ये क्या हुआ, फिर से एनर्जी बराबर हो गए। गाइस इस तरह तो यार समझ ही नहीं आ रहा कौन जीतने वाला है इस मैच में। तो यार अगर तुम लोग चाहते हो कि अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू इस मैच को जीत जाए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, तभी जाकर के अपना गोकू यहाँ पर जीतेगा। ये देखो फ्रैंकलिन भैया ये अटैकर कामयाब हो गया तो ये मैच हम लोग जीत सकते हैं। अरे बैप रे बैप लगता है अपनी सारे के सारे बंदे वीडियो को लाइक कर चुके हैं और ये फाइनली हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। गाइस ये मैच कितना ज्यादा खतरनाक था भाई, आखिरी हमला जो करता भाई वही जीतने वाला था, और अपने गोकू ने हमला करके भाई हम लोगों को जिता दिया। तो गाइस 3-3 मैच हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं, और इसीलिए गाइस आज का सुपर ड्रैगन बॉल हम लोगों के नाम होता है। तो गाइस आज काफी ज्यादा मजा आया, तुम लोगों ने कमेंट करके बताया था कि MUI गोकू को ड्रॉ करना, तो यार मैंने तो वो कर दिया। पर एक मिनट गाइस ये टूर्नामेंट अभी जारी है, तो अगर तुम लोग चाहते हो ना कि इस बार मैं अल्ट्रा ईगो वेजिटा ड्रॉ करूं तो कमेंट बॉक्स में अल्ट्रा ईगो वेजिटा लिख दो, और गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर 5 घंटे के अंदर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं तो यार मैं अल्ट्रा ईगो वेजिटा आज ही लेकर के आ जाऊंगा। तो जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस आज के लिए इतना ही, होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग कल एक और धमाकेदार वीडियो में।